Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. In this particular lecture, I'm going to tell you that how you have to prepare your UGC NET Paper 1. सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, you're watching this video in the current time, then let me just make you aware or let me take this opportunity to tell you that this is the right time. ये बिल्कुल सही टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने का. बिकॉज यूजुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे. एंड उसमें ऑलरेडी आपके 2 से 3 महीने निकल चुके होते हैं, ठीक है. एंड देन सिर्फ 2-3 महीने बचे रहते हैं. एंड देन स्टूडेंट्स फील कि यार अब 2-3 महीने में कैसे तैयारी होगी. तो एक काम करते हैं कि पास्ट ईयर्स ही देख लेते हैं, पास्ट ईयर्स ही लगा के चले जाते हैं, उसमें काम हो जाएगा. बट उसमें एग्जाम क्लियर नहीं होता, बिकॉज जब से एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया है, द पेपर हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल. आप 2021 और 2020 का पेपर खुद से चेक कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करनी है. थोड़े बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जब भी आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, बट द बेसिक स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है. सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत ही अच्छे एक वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के अंदर हमारे जीतू भैया ने बोली थी कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप सिलेबस के ऊपर जंप करें, ठीक है. तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, दैट गो थ्रू द सिलेबस थॉरली. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर हमने एक्स वाई जेड बुक के अंदर ये सिलेबस देखा है, हमने इस एक्स वाई जेड प्राइवेट वेबसाइट के अंदर ये सिलेबस देखा है. यू हैव अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज यूजीसी नेट. यूजीसी नेट की आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और वहां से प्लीज सिलेबस डाउनलोड करिए, चाहे आपका पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, और जस्ट गो थ्रू इट वेरी वेरी थॉरली. एटलीस्ट उसको 2 से 3 बार पढ़िए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यार सिलेबस है क्या. बिकॉज मेजोरिटी टाइम्स में स्टूडेंट्स को क्या गलती करते देखता हूँ कि वो कोई भी रैंडम बुक उठाते हैं, कोई भी सोर्स ऑफ मटेरियल उठाते हैं, वहां से तैयारी शुरू कर देते हैं, एंड उनको ये रियलाइज ही नहीं होता कि जो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो शायद एग्जाम के सिलेबस का पार्ट भी नहीं है. अब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर एग्जाम भी जो बनाया जाता है या जो एग्जाम आता है वो पूरा का पूरा सिलेबस से कौन सा आता है. आई अग्री टू दैट एट द मैक्सिमम लेवल, बट द बेसिक आइडिया इज कि 70-80% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बिल्कुल सिलेबस से आते हैं. ऑफकोर्स देर गोइंग टू बी सम पोर्शन, 10-15% के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिलेबस से बाहर से आएंगे. बट पहले फोकस क्या होना चाहिए कि आप इस 70-80% सिलेबस को तो कवर करें. एक बार ये 70-80% सिलेबस कवर हो गया, देन आपके पास पूरी छूट है, देन आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप बाकी के 10-15% भी तैयार कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना सिलेबस बिल्कुल थॉरली गो थ्रू करना है और कोशिश करना है कि आप उसको स्टिक करके उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए, उन टॉपिक्स को कवर करते हुए अपने सिलेबस को कवर करें एंड आगे पढ़ाई करें, ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है, एक कट ऑफ का आइडिया लेना. बिकॉज जब तक आपको कट ऑफ का आइडिया नहीं रहेगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका टारगेट क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दैट टारगेट. तो ब्रॉडली आप अपने सब्जेक्ट के अंदर कट ऑफ देखिए. मेजरली जो कट ऑफ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 65% के आसपास ही होती है. जिस भी एग्जाम के बारे में बात करें, मेजॉरिटी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेट जेआरएफ की जो कट ऑफ होती है, जेआरएफ के बारे में बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे, 65% कट ऑफ होती है, ठीक है. दूसरी चीज़ आपको क्या पता करनी है कि भाई कोई सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब क्या पेपर 1 में कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज हमें स्कोर करने या पेपर 2 में करने. तो मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा रूल था कि 40-50% रिक्वायरमेंट थी पेपर 1 एंड पेपर 2 रिस्पेक्टिवली. अब ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. मतलब अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपका पेपर 1 वीक है या पेपर 2 वीक है, आप बिल्कुल फ्री होकर पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा आसान लगता है. क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेपर 1 में कितना स्कोर किया है, पेपर 2 में कितना स्कोर किया है, दोनों का क्यूमुलेटिव, दोनों का एग्रीगेट स्कोर जो है वो आपके नेट जेआरएफ का स्कोर बनाएगा या फिर आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल गई. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, दे डू नॉट आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. देखिए क्या होता है कि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी, टिल द टाइम यू आर नॉट अवेयर कि हमें क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ हमें नहीं आती, हाउ कैन यू वर्क अपॉन दैट. यहाँ पे जो नेट का एग्जाम है ये स्ट्रैटेजिकली तैयार करने का टाइम है. दिस इज अ प्लेस वेयर आप स्ट्रैटेजी बना के तैयार करें, और स्ट्रैटेजी तभी बनाई जा सकती है जब आपको पता हो. जैसे कहते नहीं है कि मैदान में पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके ओपोनेंट की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी ओपोनेंट की वीकनेस क्या है.
सिमिलरली इस एग्जाम में आपको पता होने की जरूरत है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, पेपर कहाँ से पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को वर्कआउट करें। तो उसका तरीका क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, आप सबसे पहले अपनी तैयारी करने से पहले 2-3 पेपर्स उठा लीजिए जो कि NTA की वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएंगे, जो पास्ट ईयर पेपर्स होंगे या जो मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे, ये आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप उन 2-3 पेपर्स को सॉल्व करिए और अपना स्कोर देखिए। अब स्कोर देखने को मैं क्यों कह रहा हूँ, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा दैट वॉट आर द एरियाज जहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट से आपने 2-3 मॉक टेस्ट पेपर लगाए या पास्ट ईयर पेपर्स लगाए और आपको रियलाइज हुआ कि यार DI तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, DI तो मेरा बहुत गलत हो रहा है, मुझे क्वांट भी बिल्कुल नहीं आता। तो ये दो चीज़ आपको आइडेंटिफिकेशन हुई, बिकॉज 2-3 पेपर्स में आपको इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल लग जाएगा। साथ साथ आपको ये पता चलता है कि यार टीचिंग तो एप्टीट्यूड तो मेरा बहुत सही है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, साथ ही साथ जो मेरा RC है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, या जो कम्युनिकेशन के टॉपिक है, इसमें भी मैं फेयरली वेल कर रहा हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए जैसे मैंने कहा कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो नहीं फर्क पड़ता कि आप DI के सही करते हैं, कॉन्ट के सही करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मैक्सिमम स्कोर अचीव करना है, ठीक है। तो एक बार जब आपको पता चल गया कि क्या डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, क्या इजी सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट क्लासिफाइंग द सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स इनटू इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। 3 कैटेगरीज में बांट लीजिए, जो आपको सबसे ईजी लगते हैं उनको ईजी में डाल लीजिए, जो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं उनको मॉडरेट में डाल लीजिए, और जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जिसमें हो रही है, जो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहे, जैसे लेट्स से DIN कॉन्ट नहीं सॉल्व हो रहे, तो आपको उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल देना, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या पता चल गया, आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल गई, बिकॉज यू हैव कैटेगराइज देम इनटू इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, इस चीज़ में देखिए मैक्सिमम 1-2 दिन लगने वाले हैं अगर आप 3 पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये एनालिसिस कर रहे हैं, बट ये आपको 6 महीने 3 महीने जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है प्रिपरेशन का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। बिकॉज जैसे कहते नहीं कि जब हम कहीं पर तैयारी शुरू करते हैं या कुछ भी चढ़ाई शुरू करते हैं, तो पहले हमें छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारा मोराल भी बूस्ट हो और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। तो आपको पहले इजी सब्जेक्ट से चालू करना है और फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे मूव करना है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा पाथवे रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी आर सिस्टमैटिक प्लान विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ दीज टॉपिक्स। तो इसलिए हमने ईजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल में क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर कैसे प्रिपेयर करना है, तो जैसे कि मैंने बोला स्टार्ट फ्रॉम एन ईजी टॉपिक, लेट से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन आसान लगता है, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको कवर करिए एंड देन आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा एंड आपको पता चलता रहेगा कि यार मैंने लेट से मैंने टीचिंग और कम्युनिकेशन खत्म कर दिए, यू हैव कम्प्लीटेड द टीचिंग एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम योर 10 टॉपिक्स, तो आपको पता है ना कि यार 10% वेटेज इसका है, 10% वेटेज इसका है, तो आपको खुद में अच्छा फील होगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि यार आई हैव कम्प्लीटेड 20% ऑफ माई सिलेबस, और लेट से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आई हैव कम्प्लीटेड 50% ऑफ माई सिलेबस, कॉन्फिडेंस आता जाता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। सो इजी टॉपिक हमें पहले उठाने हैं, देन वी हैव टू मूव टू डिफिकल्ट टॉपिक्स, हमें एक ऑर्डर पता चल गया दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टाइमलाइन बना सकते हैं अगर आपको कम ज्यादा करनी है तो, बट एक अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन क्या होनी चाहिए कि 10 टॉपिक है हमारे पास, मैं मान के चल रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का टाइम तो है ही आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, बट अगर आप लेट भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट 2 महीने पहले तो प्रिपरेशन शुरू करनी ही पड़ेगी। अब आपके दिमाग में होगा सर कैसे कैसे इसको डिवाइड करें, तो मेरे पास क्या तरीका है इसका, 4+1 रूल है यहाँ पे, ठीक है। 4+1 रूल का क्या मतलब है, 4 दिन, मतलब लेट से आप एक टॉपिक उठाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, 4 दिन बिल्कुल लग के थॉरली कोशिश करिए कि जो भी आपने सोर्स ऑफ मटेरियल लिया, कोई कोर्स परचेज किया है, कोई बुक लिया है, जो भी सोर्स ऑफ मटेरियल रेफर कर रहे हैं, 4 दिन बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्लान, प्रॉपर टाइम प्लान शेड्यूल बना के 4 दिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए एज मच एज पॉसिबल, और 4 दिन बहुत आसानी से आपके रिसर्च एप्टीट्यूड या जो भी टॉपिक आप उठाते हैं पेपर 1 का, वो बहुत आसान तरीके से कवर किया जा सकता है, इवन कम टाइम में कवर किया जा सकता है। तो जो भी वीडियोज एंड PDFs हैं आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक बार आपने 4 दिन में पढ़ाई कर ली, देन 5वां दिन 4+1 रूल के तहत आपको क्या करना है, उस दिन आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आप 100 MCQs या फिर 100+ MCQs लगाएं। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ाई करी है 4 दिन, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, बिकॉज एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, तो क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सीक्वेंस क्या रखना है पेपर 1 का, कौन सा टॉपिक पहले कवर करना है, कौन सा बाद में। जैसे मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली जो उन्होंने एज पर नोटिफिकेशन एज पर रूल दिया है दैट दे आर गोइंग टू बी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच, बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं,
बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कोई भी पैटर्न पकड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज 2020 में उन्होंने टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, इस बार जो 2021 में एग्जाम हुआ वहाँ पे उन्होंने पीपल एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हो सकता है अगली बार वो कम्युनिकेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछें। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। सो आपको अपनी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ये मत सोचिए कि सर क्या बता रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपका दोस्त कौन सा टॉपिक पहले कवर कर रहा है, आप अपने इजी, मीडियम और डिफिकल्ट जो आपने लिस्ट बना रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना शुरू करिए। सबसे पहले इजी, देन मीडियम, देन डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ इन 10 टॉपिक्स के थ्रू आपको क्या बताना चाहता हूँ उसको प्लीज़ समझ लीजिए। इस टोटल 10 टॉपिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। इन तीन टॉपिक्स को मैं कंसेप्चुअल टॉपिक्स में डालता हूँ जो बहुत ही स्टैटिक नेचर के हैं। आप कंसेप्ट्स पढ़ के इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं जो इन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन, ये तीन जो हैं ये थोड़े से बेसिक इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, इसमें थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग्स आती हैं, पीपल एनवायरमेंट में अग्रीमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, पेरिस एग्रीमेंट, एसडीजी गोल्स, एमडीजी गोल्स, ये सारी चीज़ें। प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चंस होगा दे आर गोइंग टू बी ऑफ फैक्चुअल नेचर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि फैक्चुअल टॉपिक्स को थोड़ा सा आप एग्जाम के करीब पढ़ें। उसका लॉजिक क्या है, लेट्स से आप जनवरी के महीने में पीपल एनवायरमेंट पढ़ लेते हैं, आप पेरिस एग्रीमेंट वगैरह सारी लिस्ट याद कर लेते हैं, सारी रैंकिंग्स आप याद कर लेते हैं, होगा क्या कि अगर आप प्रॉपरली रिविजन नहीं करेंगे या कितना भी कर लीजिए, 6 महीने बाद अगर एग्जाम है तो आप उन टॉपिक्स को भूल ही जाएंगे। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा कि इन तीन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा लेट कवर कर सकते हैं व्हेन यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द अदर टॉपिक्स। ठीक है, और जो ये बीच के 4 टॉपिक बच गए, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग जिसके अंदर इंडियन लॉजिक भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैथमेटिकल रीजनिंग जिसको आप कौन कहते हैं, ये 4 जो टॉपिक्स हैं ये आपको प्रैक्टिस करने हैं एज मच एज पॉसिबल। तो एक बार आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पकड़ लिए उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। तो 3 सेगमेंट में हमने डिफाइन कर दिया, कंसेप्चुअल, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन एंड फैक्चुअल टॉपिक्स। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको कवर करना है। कंसेप्चुअल और प्रैक्टिस ये दोनों आप साइमल्टेनियसली कवर कर सकते हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिस तो आप रेगुलरली कर सकते हैं, फैक्चुअल टॉपिक्स को आप पहले पढ़ सकते हैं, बट उसको मेजरली कोशिश करिए कि थोड़ा एग्जाम के पास रखें, बिकॉज वो आपको याद करने पड़ेंगे, उसमें और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का पता चल गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपने अभी भी कवर कर लिया, टाइम से पहले सिलेबस अपना कवर कर लिया, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, अगर मैंने पहले मंथ के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा और मैंने उसको 3 महीने तक पूरा छोड़ दिया, 3 महीने तक मैंने पेपर वन उठाया ही नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक देखा ही नहीं, तो ऑफकोर्स ये बात है कि मैं भूल जाऊंगा। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्स्टेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है कि जब आपका एग्जाम आ रहा है, एक बार आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, नेक्स्ट आइडिया इज की रन थ्रू प्रैक्टिस करिए ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टॉपिक्स थ्रू क्वेश्चंस। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा, एज मच एज पॉसिबल, एक बार आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, एग्जाम आपके करीब आ गया, लास्ट मंथ का टाइम है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, उस पर कोई भी रोक मत लगाइए, बट पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा वीक एरिया है, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपका वीक है या फिर क्वांट आपका वीक है। तो वीक एरियाज आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं एंड देन उसको वर्क करना है। कैसे, थोड़े से 3 घंटे 4 घंटे लगाइए, देखिए कि डीआई में कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उसको इंडिविजुअली पढ़िए एंड देन कम बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि वीक एरिया आइडेंटिफाई कर दिया और उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको एग्जाम से पहले, प्रैक्टिस एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, नॉट लेस देन 10। ठीक है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन लगातार लगाते रहते हैं बट मॉक प्रैक्टिस नहीं करते। मॉक्स प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि अगर मैं पेपर वन के बारे में बात करूँ तो क्या मैं 50 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व कर पाऊंगा, या अगर मैं पेपर 1+2 के बारे में बात करूँ तो क्या मैं 3 घंटे कंप्यूटर पर बैठ के लगातार कंसनट्रेट करके एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर भी पा रहा हूँ या फिर नहीं। तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा, मॉक्स लगा के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर आप जीआरएफ की तरफ मूव कर रहे हैं एंड आप कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं अपनी तैयारी में, तो आपको क्या करना है, आपको वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली गलती कर रहे हैं, मतलब आपने कितनी बार भी पढ़ लिया, देखिए चाहे पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा ज़रूर होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, चाहे वो डीआई हो, क्वांट हो, एलआर हो, इंडियन लॉजिक हो। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं 2-4 क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, जो आपको नहीं लेना चाहिए बिकॉज एग्जाम हैज़ बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव एंड जीआरएफ लेना है, तो ये कसर भी हमें हटानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, हमें इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है और इसमें 1 से 2 दिन निकाल के, अलग से टाइम निकाल के इन टॉपिक्स को पढ़ना है।
लेट्स से आपको लगता है कि यार इंडियन लॉजिक में मेरे क्वेश्चंस लगातार गलत हो रहे हैं, तो दो दिन स्पेसिफिकली निकालिए अपने लास्ट मंथ के टाइम पे और इस टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये मैं लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, वंस यू हैव प्रैक्टिस एवरीथिंग, लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, टू मूव टूवर्ड्स पास्ट ईयर पेपर्स। और पास्ट ईयर पेपर कैसे लगाने हैं, रिवर्स ऑर्डर में लगाने हैं, मतलब ओल्डेस्ट से रिसेंट की तरफ मूव करना है। दो जो जून 2019 है उसमें सिलेबस आपका चेंज हो गया था, तो पहले फोकस यहाँ करना है सिलेबस चेंज होने के बाद से। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम पे आप ज़्यादा पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप 2015 से लेके 2021 का लगा सकते हैं इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब पहले 2015 का लगाएंगे देन आप 2021 पे जाएंगे, अपोजिट मत मूव करिएगा। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, 2015 का जो पेपर है वो आपको ईजी लगेगा, 2021 का पेपर आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगेगा। तो आपको ईजी से डिफिकल्ट की तरफ मूव करना है ताकि आपको प्रोग्रेशन दिखती रहे इम्प्रूवमेंट की। अदरवाइज अगर आप 2021 पहले लगाएंगे फिर 2015 पे लगा जाएंगे तो आपको वो पेपर्स आसानी लगेंगे, तो आपको एक्चुअली इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगी दैट हाउ आर यू परफॉर्मिंग। एंड लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। कम से कम एट मोस्ट 2 से 3 बार आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ आपने एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया, ठीक है। तो दैट वॉज अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1। अगर आप सिंसियरली इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपका GRF 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।